मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि सरकार जिस मुद्दे को खत्म करना चाहती है या जिस मुद्दे में अपने हक में जो है फैसला चाहती है, उस मुद्दे को सरकार जो कोर्ट में भेजती है। जैसे ये परंपरा जो है कोर्ट की तरफ भेजने की तरफ परंपरा मुख्य रूप से जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे उस समय से ज़्यादा चली कि कोई भी मसला हो उसको भेज दो। अब कोर्ट में मसला जाने से क्या होता है, कोर्ट में मसला गया तो आप सरकार से नहीं लड़ सकते आप जी, क्योंकि सरकार कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैटर सब जूडिस है, कोर्ट में पड़ा है, मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक कोर्ट का फैसला ना आए, विचाराधीन चल रहा है, विचाराधीन है, कोर्ट के विचाराधीन है, बात अपनी जगह सही भी है, और कोर्ट में और भी कुछ नहीं हो सकता तो ये तो हो ही जाता है कि मसले को आप जब तक चाहें लंबा खींच सकते हैं, लटका सकते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल होता भी है जी हाँ। अगर हम देख रहे हैं हाई कोर्ट में जो अपीलें पड़ी हैं, जो मर्डर केस तक की अपीलें हैं, 10-10 साल से पहले कोई अपील नहीं आती सुनवाई पर। तो इस तरह से मतलब अगर इतनी देर लटक जाएगा उस समय उसकी जो रेलिवेंसी है वही ख़त्म हो जाती है, वो जिस बात के लिए मसला है वही ख़त्म हो जाता है, और सरकार अपने आप को बचाने के लिए कोर्ट का इस्तेमाल करती है। तो ये समस्या बहुत गंभीर है, हमें सबको मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा, अन्यथा देश के लोकतंत्र की बात नहीं, लोगों का जीवन खतरे में है। केवल लोकतंत्र नहीं, जीवन खतरे में, बाकी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं हर क्षेत्र में देश में। सही मायने में हमें सोचना पड़ता कि ये देश हमारा ही देश है, ये भारत देश है जिसके लिए हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी, जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन दांव पे लगा दिए, अपने जीवन को ख़त्म कर लिया, क्या यही चाहत है, ऐसी ही सरकार है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। ये एक समस्या जो अब निकल कर आई है, ये मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा मौका है सभी राजनीतिज्ञों को, और इसमें जैसा कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मैंने सुना भी था कि केंद्र सरकार का कहना है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। मैं मानता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला नहीं है, जब चीज़ बाहर आ गई तो ये सबका मामला है, और केंद्र सरकार को, क्योंकि अपॉइंटमेंट कौन करता है सुप्रीम कोर्ट जजेस के, सरकार करती है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर से होते हैं अपॉइंटमेंट। तो जब राष्ट्रपति का मतलब है कैबिनेट, हमारी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो है, तो जब केंद्रीय मंत्रिमंडल इनका जो अपॉइंटमेंट करता है राष्ट्रपति के माध्यम से, ये सारी चीज़ें होती हैं राष्ट्रपति के द्वारा होती हैं ये सारी चीज़ें, तो ये अलग कैसे हैं, उनका अकेला मसला कैसे है, केंद्र सरकार कैसे हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार कर सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि केंद्र सरकार भी इसके बाद सवालों के घेरे में बहुत बुरी तरह से है, उसे भी जवाब देना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये छींटे उस पर भी उड़ेंगे, क्योंकि संविधान को खतरा केंद्र सरकार से भी है, केंद्र सरकार से खतरा है, इसलिए वो अपने आप को बचाना चाह रही है। स्थिति बहुत गंभीर है।